Good morning, dear students. I am here with a small poem with you all. The name of the poem is Martin's Window. Here's an old story. It seems so funny. There was a window in Martin's tummy. Actually, by mistake, Martin was shot right in the stomach. It bled a lot. The wound slowly healed and was covered by skin, but the hole was still there.

ट्रांसलेटेड बाय अनुपा लाल ये पोएम आपकी ई के बुक में है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग आज का हमारा टॉपिक यही है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोगों को डाटज ह्यूमन बींग्स को कैसे पता चला और स्टमक में क्या क्या होता है ये एक्चुअली कैसे पता चला तो इस पोएम से हमें ये पता चल रहा है बेटा कि एक मार्टिन नाम का कोई सोल्जर है और उसके स्टमक पे गोली लग गई है बहुत खून निकला है जब ट्रीटमेंट हुआ है तो उसका जो बुलेट वाला निशान था उसको रिकवर तो कर दिया पर उसकी बॉडी में उसके स्टमी में एक होल रह गया और वो होल ऐसा रह गया कि डॉक्टर्स उस पर रिसर्च कर सकते हैं और उसके अंदर देख सकते हैं कि मार्टन के स्टमक में क्या क्या हो रहा है ये देखिए ये एक स्टोरी है मार्टिन नाम के सोल्जर की 1822 में जब वो सिर्फ 18 इयर्स का था और बहुत हेल्दी था उसको एक गोली लग गई और वो बहुत ज़रा ज़्यादा तरह से जख्मी हो गया उस टाइम एक डॉक्टर ब्यूमॉन्ट था उसको बुलाया गया उसके ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने उसका घाव साफ़ किया उसकी पट्टी की डेढ़ साल के बाद डॉक्टर ने ये देखा कि मार्टिन का जो घाव था वो तो भर गया पर उसकी तमी में एक बड़ा सा होल रह गया और वो जो होल था उसके ऊपर एक लूज स्किन का फ्लैप रह गया जैसे फुटबॉल का वॉशर होता है जब हम उस स्किन को प्रेस कर सकते थे तो अंदर हमें मार्टिन का स्टमक दिखता था सिर्फ ये नहीं जो भी डॉक्टर उसको खाना देता था मुंह में ट्यूब डाल के वो उस होल में से दिखाई देता था मतलब उसमें से निकाल भी सकता था वो तो उसको लगा ये रिसर्च करने का बहुत अच्छा तरीका है आपको पता है उसने मार्टिन के स्टमक पे कितने साल अपने रिसर्च की लगभग नाइन इयर्स, उस टाइम तक मार्टिन बड़ा भी हो चुका था एटीन इयर्स से ट्वेंटी सेवन ईयर्स का और उसकी शादी भी हो चुकी थी उस टाइम तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है कैसे स्टमक के डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प करते हैं और कैसे वो गीला और सॉफ्ट होता है या डाइजेशन प्रोसेस होता कैसे है तो डॉक्टर ब्यूमॉन ने क्या किया उसकी तमी से जो डाइजेस्टिव जूसेस गैस्ट्रिक जूसेस जिसके बारे में मैंने आपको बताया है वो निकाला वो देखना चाहता था कि इस गैस्ट्रिक जूस से होता क्या है उसने एक ग्लास में उसको भर लिया और ये देखने के लिए कि कितने चीज़ को कितना डाइजेशन का टाइम लगता है उसने एक्सपेरिमेंट की ट्यूब से उसने जब वो डाइजेस्टिव जूस निकाल लिया और एट 8:30 थर्टी एम हीप 20 टाइनी पीसेज ऑफ बॉयल्ड फ़िश इन 10 मिली मीटर्स ऑफ द जूस उसने टेन मिली लीटर उस गैस्ट्रिक जूस में ट्वेंटी छोटे छोटे पीस बॉयल्ड फ़िश के डाले एट पर ठीक है और उसी टेम्परेचर पर रखा जितना टेम्परेचर हमारे टमी में होता है लगभग थर्टी डिग्री सेल्सियस जब दो बजे तक उसने देखा तो वो जो फ़िश के पीसेस थे वो डिज़ोल्व हो चुके थे उसने ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग फूड आइटम्स पे किया और ही मार्टिन को उसने खाने के लिए भी दिया वही सेम खाना सेम टाइम पे फिर उसने कंपेयर किया कि ग्लास में कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में और मार्टिन के स्टमक में कितना होता है और उसने एक ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई देखा उसने अनबॉइल्ड मिल्क जब उसने दिया उसको डाइजेस्ट करने के लिए जब उसने मार्टिन को ट्यूब में से खिलाया तो वो टू आवर्स फिफ्टीन मिनट्स में स्टमक में डाइजेस्ट हो गया जबकि ग्लास में जब उसने वही मिल्क डाला और जो गैस्ट्रिक जूस था वो उसमें डाला तो फोर आवर्स फोटी फाइव मिनट्स इसी तरह से उसने बॉयल्ड मिल्क फुल बॉयल्ड एग हाफ बॉयल्ड एग कच्चा अंडा बीटन कच्चा अंडा विदाउट बीटिंग तो स्टमक ने क्या किया बोमॉन्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की और बहुत सारे सीक्रेट्स निकाले डाइजेशन के बारे में उसने ये देखा कि फूड स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट होता है बाहर के कंपैरिजन में आपने ये टेबल में भी देखा है टमी में जल्दी हो रहा है ग्लास में लेट में हो रहा है हमारा स्टमक उसे चर्न भी करता है चर्न मींस पेस्ट बनाता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसने ये भी देखा दाट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली वन मार्टन व साड जब मार्टन उदास होता था उसके हॉमोनल चेंजेस ऐसे होते थे कि वो बहुत साड है तब खाना डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती थी ठीक है उसने ये भी देखा कि ये जो जूस है गैस्ट्रिक जूस स्टमक में वो एसिडिक है ठीक है आपने कभी कभी सुना होगा लोग कहते हैं कि गैस हो गई एसिडिटी हो गई इसका ये मतलब है या तो उन्होंने अच्छे से खाना नहीं खाया या वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ या ज़्यादा खाना खा लिया है डॉक्टर ब्यूमॉन्ट पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ठीक है ठीके? ऐसा नहीं है कि उन्होंने हर किसी को गोली मार के उसके बाद उसकी एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्च शुरू की है ठीक है ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने वेट किया होगा कोई पेशेंट आएगा जिसके पेट में छेद होगा और हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके के साइंटिफिक वेज यूज़ किए ताकि वो इंसान की बॉडी में देख सके कि डाइजेशन कैसे हो रहा है मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी